आपको ये सारी तस्वीरें तो याद नहीं होगी जो कि हमने तेग बहादुर नगर तक लिए थे। ये है हमारी हार्बर लाइन का एक और एपिसोड जो कि हम गुरु तेग बहादुर नगर से आगे करने जा रहे हैं। यहाँ पर जगह भगवा रंग दिख रहा है, राम राज्य की स्थापना जो हो चुकी है, तो हम निकल चुके हैं गुरु तेग बहादुर नगर। यहाँ तक की वीडियो हम पहले बना चुके हैं हार्बर लाइन पर, अब आज इससे आगे। खास तो कुछ है नहीं, लेकिन देख सकते हैं कि इस पट्टी पर काफ़ी बड़े बड़े मकान हमें दिखते हैं। तरह से गुरु तेग बहादुर नगर का नाम था पहले कोलीवाड़ा, ये है वही सायन विस्तार, लेकिन यहाँ जो अब आ रहा है वो है चूना भट्टी। ये चूना भट्टी सायन के बहुत करीब है। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 वर आलेली लोकल 11:25 ये है चूना भट्टी। बाजू में ये चूना भट्टी ही है। चूना सायन के नज़दीक में ही है, जैसे वडाला दादर के नज़दीक वैसे चूना भट्टी सायन के किंग सर्कल वेस्टर्न रेलवे की ओर जाता है।
अब कुर्ला में हमारे साथ रहेंगे। अब हम पहुंच रहे हैं कुर्ला हार्बर लाइन कुर्ला, और ये बाजू में जो है वो है मेन लाइन हर गांव जाने वाली ट्रेनें भी गुजरती हैं। इसीलिए अलग अलग जगह पर अब ट्रेन को निकालने के लिए डिपो जैसा बनाया गया है। यहाँ बाजू में है लोकमान्य तिलक टर्मिनल LTT, जहाँ से आपको बहुत सारी ट्रेनें बाहर गांव की मिल जाती हैं। ये है कुर्ला का प्लेटफॉर्म नंबर 7 और 8, और 2 प्लेटफॉर्म और हैं 9 और 10। ये टोटल 10 प्लेटफॉर्म्स हैं कुर्ला में। एक ज़माना था जब कुर्ला से बाहर गांव की ट्रेनें भी छूटा करती थी। कुर्ला की मेन लाइन हार्बर लाइन कुल जमा 10 प्लेटफॉर्म। ये देखिए कुर्ला में क्या क्या नहीं हो रहा है। 2 और फ्लाईओवर का निर्माण अभी भी चल रहा है। पता नहीं कुर्ला में इतना क्रॉसओवर कैसे मुमकिन हो पाया है। ये देखिए आधे अधूरे बने हुए ये ब्रिज, ये फ्लाईओवर के हैं। ये है तिलक नगर हार्बर लाइन का रेलवे स्टेशन है, लेकिन इसके बिल्कुल बाजू में तिलक नगर लोकमान्य तिलक नगर ट्रेन टर्मिनल भी है।
बाहर गांव की ट्रेनों के आवागमन के लिए। तो तिलक नगर हम छोड़ चुके हैं। एक ज़माना था जब तिलक नगर की ओर रेलवे कोई ध्यान ही नहीं देती थी, सुनसान सा पड़ा हुआ रेलवे स्टेशन हुआ करता था। लेकिन जब से लोकमान्य तिलक टर्मिनल शुरू हुआ है, इसके भाव बढ़ गए। अब इसको एकदम चमकदार बना दिया गया है। क्या क्या बिल्डिंगें हैं तिलक नगर में देख लीजिए, क्योंकि सामने वाला हिस्सा घाटकों पर कहलाता है। ये बीच का ब्रिज अगर आप क्रॉस करें तो उसके उस पार घाटकों पर, इस पार चेंबूर, ये हम चेंबूर विस्तार में प्रवेश कर गए। ये चेंबूर है, ये है चेंबूर। ये वो विस्तार है जहाँ दक्षिण भारतीयों की ज़्यादातर पॉपुलेशन है। निकल चुके चेंबूर से, यहाँ निकल चुके चेंबूर से। चेंबूर काफी पॉश इलाका है। चेंबूर से सटा ये इलाका है गोवंडी, जी हाँ, हार्बर लाइन का ही रेलवे स्टेशन है गोवंडी। किसी ज़माने में इसके निकट देवनार में कतलखाना हुआ करता था, वहीं से यहाँ मारे गए जानवरों की चमड़ी से बने जूते, चप्पल वगैरह ढेर सारे मिला करते थे। आज है या नहीं पता नहीं,
लेकिन इसे गोंडी को जूतों की खान कहा जाता था। आर के स्टूडियो जो कि अब नहीं रहा, वो भी गोवंडी और कैम्बूर के बीच में देवनार में है। अब मैं नहीं कह सकता है क्योंकि वो अब उनके कब्जे में नहीं है। अब वहाँ पता नहीं कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई होगी, मगर ये एक ज़माना था जब वहाँ हुआ करता था। हाँ, हम लोग एंट्री कर चुके हैं मान खुर्द, किसी ज़माने का हार्बर लाइन का अंतिम रेलवे स्टेशन मान खुर्द। लेकिन अब ये अंतिम स्टेशन नहीं रहा। अब तो यहाँ से खाड़ी के ऊपर से होकर के ट्रेन निकलने ही वाली है। आगे वाशी और पनवेल तक की वीडियो मैं आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर जो मुंबई की खाड़ी है उसके ऊपर बना पुल दिखा देता हूँ। मानपुर से आगे यही है वो जगह वसई की खाड़ी कहा जाता है। वहाँ से वहाँ पर ये पुल बनाया गया है। चलिए आज
तेज हवाएं ये दिशा निर्देश दे रही है कि बाजू में ही समुद्र या समुद्र की ब्रांच है और कहीं भी है यहीं पर है वो खाड़ी खाड़ी में हमेशा कुछ न कुछ कंस्ट्रक्शन होता ही रहता है, चलता ही रहता है। और अब आएगा वाशी रेलवे ट्रेन। वाशी यहीं से शुरुआत हुई थी पनवेल तक के सफर की, नई मुंबई के सफर की, नवी मुंबई को नाम दिया गया था। नवी मुंबई को डेवलप करने के लिए यानी कि वाशी को डेवलप करने के लिए ही इस चैनल के ऊपर पुल बनाया गया था, उसका निर्माण सर्वप्रथम किया गया था। सामने जो बिल्डिंग दिख रही है वही है वाशी। यहां पर भी कुछ बिल्डिंगें दिख रही है। निकट भविष्य में तो जहां तक जमीन का सवाल है, मुंबई नवी मुंबई को कोई कमी रहने वाली नहीं है। बहुत सारा मेन ग्रेव पड़ा हुआ है।